हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन किया और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सरकार पर आरोप लगाए। क्या कहा आगे आपको दिखाते हैं। 1,10,00,000 बोतलों का घोटाला तो कांग्रेस पार्टी ने उजागर किया है, मैंने कुमारी शैलजा जी ने, ये भी अब स्पेशल इंक्वायरी टीम की रिपोर्ट में सामने आया है कि घोटाले बाजों के तार सीधे सीधे सचिवालय में बैठे सफेदपोशों और आला अफसरों से जुड़े थे। एक घोटाला बंद नहीं हुआ था कि रजिस्ट्री घोटाला भी सामने आ गया। कब बंद होगा भाजपा जजप्पा सरकार खट्टर सरकार में घोटालों का खेल? कभी रजिस्ट्री में घालमेल, कभी शराब घोटाला में मालामाल शराब माफिया के साथ मिलकर। आइए मिलकर आज विरोध करें और मांग करें कि हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज से जांच होगी, तभी खट्टर सरकार में आला पदों पर बैठे सफेद पोशों और आला अफसरों के चेहरे से नकाब हटेगा और शराब तस्करों और माफिया के साथ सरकार का गठजोड़ सामने आएगा।